दोस्तों बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच, जिसको देखकर मैं खुद हैरान रह गया। क्योंकि कपिल शर्मा के द्वारा इस तरीके का व्यवहार सुनील ग्रोवर के लिए ना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था और ना ही आपने सोचा होगा कि कपिल शर्मा इतना बड़ा कारनामा कर दिखाएंगे। देखिए, ये तो आप सबको पता ही है कि बाबा सिद्दीकी जब इफ्तार पार्टी देते हैं तो बॉलीवुड के सभी कलाकार वहां पर जरूर जाते हैं, बल्कि बॉलीवुड में जो भी कलाकार काम करता है उसकी दिली तमन्ना यही होती है कि उसको भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जरूर इनवाइट किया जाए। क्योंकि दोस्तों बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आपके बड़े बड़े कनेक्शंस बनते हैं और आपको फिर बड़े बड़े काम भी मिलते हैं। और इसीलिए हर बॉलीवुड का एक्टर कलाकार यही चाहता है कि उसको बाबा सिद्दीकी की पार्टी में जरूर बुलाया जाए, ताकि उनके बड़े लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस बन सके। तो दोस्तों हर बार की तरह कपिल शर्मा को इस बार भी बाबा सिद्दीकी की पार्टी में इन्वाइट किया गया था, और साथ ही बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में इस बार सुनील ग्रोवर को भी इन्वाइट भेजा गया था, जहाँ पर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक साथ ही इत्तेफाक से बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुनील ग्रोवर को कपिल शर्मा ने देखा और जिस तरीके से कपिल शर्मा ने रिएक्ट किया, वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि कपिल शर्मा ने जैसे ही सुनील ग्रोवर को देखा, उन्होंने अपने हाथ जोड़कर पहले सुनील ग्रोवर को नमस्ते किया और फिर दोनों एक दूसरे के गले भी मिले और फिर दोनों ने ढेर सारी बातें भी की। और कपिल शर्मा का सुनील ग्रोवर की तरफ इस तरीके का जेंटल बिहेवियर देखकर दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों अगर सच बताऊं तो मैंने कपिल शर्मा से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी कि वो सुनील ग्रोवर को देखकर इतने अच्छे तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन लगता है कपिल शर्मा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। लेकिन दोस्तों मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों की अब नजदीकियां धीरे धीरे और बढ़ती जा रही हैं, और दोस्तों शायद क्या पता इन्हीं छोटे छोटे नजदीकियों के कारण हमें जल्द ही सुनील ग्रोवर एज ए डॉक्टर मसूर गुलाटी कपिल शर्मा के शो पर देखने को मिल सके। और दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो मानो कि कपिल शर्मा शो की TRP छप्पर फाड़ देगी और फिर से ये शो एक बार नंबर 1 पर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है या नहीं, ये तो हमें टाइम आने पर ही पता चलेगा कि सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो पर एक बार फिर से डॉक्टर मसूर गुलाटी बनकर आएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों बाकी सभी फैंस की तरह मेरी तो यही इच्छा है कि बहुत जल्द कपिल शर्मा के शो पर हमें डॉक्टर मसूर गुलाटी देखने को मिले। बाकी दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बड़े वाले फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।